स्वागत है आपका फिर स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी पी डी ओ री एग्ज़ाम 26 और 27 जून को जो हुआ है उसमें कौन सी शिफ्ट ऐसी है जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, जो मैंने कल भी बताया था ये एक शिफ्ट इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रही है। तो उसमें अगर आपके 95 मार्क्स बन रहे हैं तो आप मान लेना आप सेफ हैं। लेकिन बहुत सारे साथी ये कह रहे हैं कि 95 क्वेश्चन की कह रहा हूँ, मार्क्स नहीं, 95 क्वेश्चन अगर बन रहे हैं आपके तो आप सेफ हैं। और बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि 95 क्या, 210 और 15 भी जा सकती है, क्योंकि नकल इसमें पेल के हुई है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से नकल हुई है, इसमें पेपर आउट भी हुआ है इसका। इसके चक्कर में इसकी जो मेरिट है वो हाई भी जा सकती है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अच्छी खासी नकल हुई है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में, तो इसमें कोई दोहराया नहीं है कि इसमें नकल नहीं हुई, नकल अच्छी खासी हुई है, पेपर आउट भी हुआ है, बहुत सारे लोगों को पेपर मिला भी है। तो इसके चक्कर में ये हो सकता है कि इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाए। लेकिन 26 तारीख की सेकंड शिफ्ट में अगर आपके 95 मार्क्स सही, 95 क्वेश्चन अगर सही हैं काट के, अभी फिलहाल में देखो होता क्या है, अभी जो फाइनल आंसर की आएगी, अभी इसकी ऑफिशियल आंसर की, इसमें 2-4 मार्क्स और घटेंगे, अगर उसमें भी अगर आपके 95 प्रश्न सही हो रहे हैं तो ये मान लेना आपका सिलेक्शन हो सकता है सेकंड शिफ्ट में। उसके बाद जो सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट थी वो थी 27 की सेकंड शिफ्ट को ध्यान रखो, अच्छे खासे मतलब लेवल की शिफ्ट थी वो, ठीक है, बढ़िया उन्होंने बनाया था। और नॉर्मलाइजेशन बहुत सारे साथी कह रहे थे नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन साथी यूपी पैटर्न में भी होता है, आपने देखा होगा 4 शिफ्टों में पेपर हुआ तो नॉर्मलाइजेशन होता है, अच्छा खासा आपका इफेक्ट पड़ता है। और कुछ साथी कह रहे थे 20 से 25 मार्क्स का इफेक्ट पड़ सकता है, नहीं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मार्क्स का इफेक्ट पड़ सकता है जो नॉर्मलाइजेशन होगा, 20 से 25 मार्क्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ, एसएससी की बात करें, एसएससी में हो जाता है ये, एसएससी में 20-20 मार्क्स का, 25-25 मार्क्स का इफेक्ट पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर 5 से लेकर 10 मार्क्स का इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है, इससे ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो साथियों, आपको मालूम है कि एसटीएफ ने ये पेपर कराया, बहुत बड़े बड़े दावे कि हम इसको एकदम फेयर पेपर कराएंगे, अब देख लो फेयर पेपर की धज्जियाँ उड़ा दी लोगों ने, जो गैंग थी सरगना थे सब, मतलब सब खोखला साबित हो रहा है ये सारा सारा, फेयर एग्ज़ाम तो हो ही नहीं पा रहा है। अब देखो, अब ये तुम्हारा जो पेपर है, ये जो लेखपाल वीडियो का पेपर हुआ है, ये लेखपाल की तरह हो जाएगा, कैसे, अब इसमें नकल हुई है, अब ये एसटीएफ क्या करेगी, इसको नकलचियों को पकड़ती रहेगी और इसका रिजल्ट देगी नहीं, यही सिस्टम हुआ लेखपाल में कि उन्होंने पहले या तो ये सही से पेपर करा नहीं पाते, कैसे पेपर आउट हो जाता है आप खुद भी सोचो, ऐसे पेपर आउट हो सकता है क्या, लेकिन हाँ ये पेपर आउट हो जाता है और फिर ये एसटीएफ क्या करती है, इन लोगों को पकड़ती रहती है और फिर अगर कोई पूछो कि रिजल्ट कब आएगा कि हम अपना काम चला रहे हैं, एसटीएफ अपना काम कर रही है, लोगों को पकड़ रही है। तो इसी प्रकार से बार बार इस यूपी में नकल नाम नहीं ले रही रुकने का, अब दावे कोई कुछ भी करे, योगी आदित्यनाथ दावे करते हैं कि हमारे मतलब प्रदेश में बिल्कुल नकल माफियाओं को ये कर दिया और वो कर दिया, बिल्डोजर चला दिया, किसी पे कोई बिल्डोजर नहीं चलाया जाता। अगर नकल माफियाओं की बात करें तो कोई कुछ भी उन पर एक्शन नहीं होता है, छोटे मोटे लोगों को पकड़ के डाल दिया जाता है जेल में, जो मेन आरोपी होता है, अभियुक्त होता है, उसको कोई मतलब ही नहीं, जो आराम से ले रहा है मजे, हर एग्ज़ाम में आता है वो एक्टिवेट हो जाता है और बाद बाकी नकल हो जाती है और बच्चे तड़पते रहते हैं कि कब रिजल्ट आएगा इसका, कब आंसर की आएगी इसकी, यही हो रहा है इसमें, ठीक है। और ये देखना, अगर इसमें बहुत ज़्यादा लेवल पर पेपर मतलब आउट तो हुआ ही है, तो वो सीधी बात है, बहुत सारे नकल माफिया पकड़े गए हैं ये भी आपको मालूम है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये इसका रिजल्ट जो है इस बहुत जल्दी तो आने वाला है नहीं, इसका रिजल्ट इसमें ये लेखपाल की तरह ही हो जाएगा और ये लेखपाल की तरह कर देंगे, फिर लोग केस के डाल देंगे इसमें, और यही यूपी की कोई भी वैकेंसी हो, ये यूपी सरकार और आयोग ये चाहता है कि इस केस पड़ जाए और ये आगे को खिंचता रहे, इनको कोई मतलब नहीं है कि बच्चों को रोज़गार देना है कि नहीं देना, ये कोई मतलब एकदम से संवेदनशील नहीं है कि बच्चों को रोज़गार देने के लिए। अब देखो 1953 वैकेंसी हैं, इस पे भी ये देखना रिजल्ट कब तक दे पाएंगे, ये देखना आप खुद ही। और इसमें अभी भी जैसे अभी जो तुम्हारी आंसर की आएगी, इसमें हर शिफ्ट में दो चार प्रश्न गलत भी होंगे, उनको चैलेंज करना होगा, और जब चैलेंज अगर आंसर की में जो गलत प्रश्न होंगे वो चैलेंज किए जाएंगे और वो आयोग के द्वारा सही नहीं किए जाएंगे तो बच्चे कोर्ट पहुंच जाएंगे, यही होता है और हर एग्ज़ाम में होता है, आप देखते ही हो, यूपी में एग्ज़ाम दे रहे हो तो एक्सपीरियंस आपको हो गई होगा। और साथियों, अगर आपने जो 1468 वैकेंसी अभी बीडीओ के बीपीओ की निकली हुई हैं, अगर उसने आप पे फॉर्म डाला है और 75 मार्क्स आपके बन रहे हैं पैट में, तो आप मान लेना इसका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है और आप तैयारी में जुट जाओ, ठीक है। और लगभग मुझे लग रहा है पैटर्न इसी वीडियो की तरह रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे, और हाँ नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहेगी, इस बार नेगेटिव मार्किंग 1/2 की थी, ये पहले का एग्ज़ाम था, इस बार 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है।
ठीक है साथियों, तो मैंने सारी बता दी, नकल जबरदस्त हुई है, इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा भी जा सकती है, इसमें कोई दोराय नहीं है। और इसीलिए लोग जो कहते हैं ना कि इतनी कट ऑफ जाएगी उतनी कट ऑफ जाएगी, अगर फेयर एग्जाम हो ना तो 100 से अंदर जिसके 100% होते, हर एक शिफ्ट में कोई शिफ्ट होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सलेक्शन हो जाता। लेकिन सिर्फ यही एक ही कारण है कि नकल अच्छे खासे लेवल पर हो रही है, यूपी में रुक नहीं पा रही नकल, किसी भी कीमत पर नहीं रुक पा रही। और जो बेईमान है वो नौकरी ले जाते हैं, जो ईमानदार हैं बेचारे बैठ के अगले एग्जाम की तैयारी में जुट जाते हैं। समझ में आ रही है, अगले एग्जाम की तैयारी करने लगते हैं बेचारे कि भैया चलो आशा है अगले एग्जाम की तैयारी करें, कब तक करेंगे ऐसा। ये चीज़ कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा ना माफियाओं को, नकलचियों का, ठीक है। तो सरकार इस पर गंभीर मुद्दे से सोचे और आयोग भी सोचे कि इस प्रकार से नकल कैसे हो जाती है बार बार, ठीक है साथियों। तो यही सारा वीडियो था, मेरे को बताना था आपको। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो साथियों तक, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है साथियों, धन्यवाद।